प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के रांची से सरकार की प्रमुख आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम से जुड़ी खास बातें। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में लगभग 10 करोड़ परिवार शामिल है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, चाहे वो परिवार कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस योजना के तहत लेन देन पूरी तरह कैशलेस होगी। इस बीमा योजना में इलाज को कवर करने के लिए कुल 1,350 पैकेज है, जिसमें कैंसर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हृदय संबंधी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी, दंत सर्जरी, आंखों की सर्जरी और MRI और CT स्कैन जैसे विशेष परीक्षण शामिल है। ये योजना देश के लगभग 445 राज्यों में लागू होगी, जिसमें ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक शामिल नहीं है। इस योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। ये योजना पूरी तरह पेपरलेस, कैशलेस और IT आधारित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।